अभी आया हूँ कुरला वेस्ट हलाऊ पुल में, जहाँ पर अम्बे बाता मंदिर का ओपनिंग हुआ। और उस ओपनिंग में हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गलगली साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे। अनिल भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे जो आप मंदिर अम्बे माता मंदिर के ओपनिंग में आए? हलापुल से जो जय अम्बे माता मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है और कई लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने मिलजुल कर यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना कई सालों पहले की थी। अभी जो कमलेश गुप्ता इसका पूरा हैंडल कर रही है और इस मंदिर को जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी। हाल ही में कई लोगों की मदद से और खासकर जो नगर सेवक आजमी भी है और कई लोगों ने मदद करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार में मदद की है और ये सुंदर मंदिर का जो जीर्णोद्धार संपन्न हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रि के दिन में इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ और इसका उद्घाटन भी हुआ, तो यहाँ के जो रहवासियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि आसपास के इलाके में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोगों की इस मंदिर में श्रद्धा है। और निश्चित तौर पर इस तरह से जय अम्बे माता मंदिर एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है और लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने के बाद फिर एक बार माता के पास आके अपना माथा टेकने का काम भी करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कमलेश गुप्ता जी से, जो कि यहाँ के मंदिर के पूरे कर्ता धर्ता हैं, इनसे बात करेंगे। आप क्या बोलेंगे मैडम? हाँ, अभी लॉकडाउन में और अचानक क्षतिग्रस्त हुआ मंदिर, उसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और हमारे अनिल जी तो बहुत मेहनत किए इसके लिए और भाग दौड़ किए, संपन्न हुआ और आज आए, मुझे बहुत खुशी हुई इस उसमें, जबकि लॉकडाउन में तो लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अभी क्या करें, बहुत लोगों को आना था। इसमें अरशद भाई भी आने वाले थे और एक दो जन आने वाले थे, लेकिन अभी पता नहीं लॉकडाउन का की स्थिति क्या है। और अनिल जी आए हमारे इस प्रोग्राम में, मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने तहे दिल से इनका स्वागत करती हूँ और बस माता जी का आशीर्वाद हमारे अनिल जी को मिले, इसी कामना के साथ, शुभकामना के साथ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक तिवारी जी भी हैं, हम चाहेंगे दो बात इन्होंने भी अपना रखे पब्लिक के सामने। इस मंदिर का निर्माण के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों ने बहुत अच्छा योगदान किया है। हमारे यहाँ के नगर सेवक भाई अशरफ आजमी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, हमारे छोटे भाई अनिल गलगली जी ने बहुत जी तोड़ मेहनत की और अगर इन्होंने मंदिर का शुरुआत, रिपेयरिंग की शुरुआत का बीड़ा इन्होंने नहीं उठाया होता तो शायद अभी हम लोग इसको इतनी जल्दी बनाने में कामयाब भी नहीं हो पाते। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अनिल गलगली जी पिछले एक सालों में 3 बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण करा चुके हैं चांदीवली विधानसभा में और उनके सहयोग से ये चौथा मंदिर बना है और आगे 5वां मंदिर खाड़ी नंबर 3 में हनुमान जी का शीघ्र ही बनने वाला है अनिल गलगली जी के नेतृत्व में। और हमारी ईश्वर से अपेक्षा है कि ऐसे ही सत्कर्म गलगली जी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और इस ये मंदिर तो हिंदू मुस्लिम सद्भावना का एक बहुत अच्छा प्रतीक है, जिसमें हमारे साकीनाका के एक व्यापारी इफ्तिखार खान साहब हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, वो नमाज और इसकी वजह से आ नहीं सके, वो रमज़ान की वजह से। तो ऐसे ही समाज में ऐसे कार्य होते रहें और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक चलता रहे, देश तरक्की करे, यही हमारी शुभकामना है। अच्छा मत ले, अच्छा मत ले।